इसके लिए खूबसूरती की बात करें, हाँ दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, देश को आपने खूबसूरत बनाने की पीड़ा जो उठाई है। बेसिकली अर्चना जी हैं इसके पीछे पूरा कारण जो है। अर्चना जी ऑलरेडी एक मिसेज नॉर्थ सेंट्रल एशिया है, मिसेज यूनिवर्स नॉर्थ सेंट्रल एशिया, तो उन्होंने ये सोचा कि इस तरीके के कुछ पैजेंट्स करने चाहिए हमें, और इंडिया में जितने भी हमारे हिंदुस्तान की जो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे गांव की हैं, वो ऐसे शहरों की हैं जिनको आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इस तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने उन लोगों को चुना जिन लोगों को घर से निकलना या किसी तरीके का काम करना में प्रॉब्लम होती थी फैमिली को लेकर। अर्चना जी, आपका क्या है, खूबसूरती का पैमाना क्या है, क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात होती है कि एक मॉडल को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतरती है तो स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा स्माइल है, क्या कहना चाहेंगे स्माइल को लेकर? और क्या खासियत देखती हैं आप? खासियत यही है कि हम उन लोगों को, उन महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं जो अपने घर में बाउंड होती है और निकल नहीं पाती, क्योंकि हर एक महिला चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, बट कहीं किसी की फैमिली साथ नहीं देती, कहीं समाज साथ नहीं देता, कहीं उनकी कुछ और पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं एक जेन्युइन तरह से एक पेजेंट किया जाए जिसमें जेन्युइन लोगों को विनर किया जाए और उनको आगे प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर एक सवाल है यहां पे कि कई बार ये सब जो होते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा क्या कुछ कास्टिंग कॉज भी होता है इनमें, तब जब लड़कियां विनर बनती है तो उसके पीछे बहुत कुछ त्याग करती है, ये कितना सत्य होता है? होता है या नहीं होता है इस बारे में तो खैर हम लोगों ने बात करना ये बेकार है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पैजन में नहीं है, यहाँ पर हमारे विनर्स हैं और इसी तरीके हमारी विनर्स आपको दे सकती हैं। हाँ, और कितने प्रदेश के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया 15 कंट्रीज और 40 सिटीज ने और स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने लोग विनर रहे और क्या? इसमें टोटल कंटेस्टेंट 42 थे और टोटल विनर्स जो हमारे थे, देयर इज टू कैटेगरी, दो कैटेगरी थी, रेगुलर एंड क्लासिक, और ईच कैटेगरी से 5-5 विनर निकले थे। इसकी प्रक्रिया, इसके अंदर इनके ग्रूमिंग हुई है, इनकी ट्रेनिंग थी, इसमें सब इवेंट था, इनके मीडिया लॉन्च थे और कुछ हमारे फिर ग्रैंड फिनाले पर सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा एथनिक था, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन राउंड होता है, फिर हमारा कैटवॉक राउंड था और फिर कॉमन क्वेश्चन आंसर राउंड था, फिर उन सब बिहाव पे हमारे जजेस ने इन लोगों को चुना है और ये लोग विनर हुए। व्यावसायिक सवाल एक अर्चना जी आपको पूछना चाहते हैं कि आप तोमर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं दिल्ली में, एक इतना बड़ा व्यवसाय संभालते हुए आप इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? सी, जैसे हम लोग बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो यही है, वुमेन एम्पावरमेंट है। आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है हर चीज़ को, फैमिली को, बिजनेस को, अपनी प्रेजेंट्री को, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारी टीम तुषार जी का साथ और हमारे विनर्स का साथ, आप लोगों का साथ, आप लोग बनाते हैं। एक आखिरी नोट पर इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, थोड़ा सा काफी सीरियस बातें हो गई हैं कि आप सब श्रीमतियों के बीच में एक अकेला कुमारा सलमान खान क्या कर रहा है उसके बारे में बताएंगे? उसकी कब शादी होगी? किस तरह से वो 50 साल का हो गया, ये भी 50 साल का होंगे तब शादी होगी? जी, जिस दिन मिल जाएगी, ढूंढने में लगे हुए हैं, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन कर देंगे। उसी वक्त क्योंकि मिसेस की वो प्रतियोगिता करा रहे हैं, मिस की नहीं करा रहे, वो उसका हल बताइए। कितनी कठिनाई आई, क्योंकि एक मिसेस थी, उनके बच्चे भी पति भी होंगे, कितनी कठिनाई आपको सब नहीं? इस तरीके की कुछ कठिनाइयाँ नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग इसको म्यूचुअली, हम लोग इसके डेट शेड्यूल और जो इवेंट होता है हम कंटेस्टेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं, तो हमारा जो जिस तरीके से रहते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग वीकेंड देखते हैं जिसमें उनको प्रॉपर टाइम मिले, फैमिली छुट्टी पे हो, हस्बैंड जॉब पे ना हो, इस तरीके के हम लोग टाइम शेड्यूल इसके अंदर देखते हैं, तो इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बट यस वो मैनेजेबल है। अर्चना जी बहुत कम बोल रही है, और किस प्रतियोगिता ने आपको प्रभावित किया, सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसकी खासियत अगर बात करें तो एक आध आप एक्सप्लेन करना चाहें तो? परेशान भी किया, समय पे नहीं आती थी, समय पे नहीं आती थी, फोन पे बिजी रहती थी। प्रतियोगी हमारी कोई भी प्रतियोगी ऐसी नहीं थी जिन्होंने परेशान, नो डाउट कोई भी ऐसे नहीं थे। मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक हमारी प्रैक्टिस चलती थी, रिहर्सल्स होते थे, ग्रूमिंग होती थी, और उन्होंने पूरे अपनी जी जान से, आई थिंक उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट आप मीडिया का है, बिल्कुल, और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, हम अपनी कंटेस्टेंट को भी बहुत बहुत थैंकफुल हैं।
आमंत्रित किया जाएगा, आप आइए, इसका हम 8 फरवरी को लॉन्च कर रहे हैं हम।